हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो भाई मैम, आपको तो पता ही होगा, कल रात में फाइनली एडमिट कार्ड जी रिलीज मैम। हो चुके हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी क्वेरीज आ रही है, कंसर्न्स आ रही है, या जिन्होंने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली आप सबके बिहाफ पे दीक्षा मैम क्वेश्चंस का बल्क लेकर आई है, क्योंकि वो आज सुबह आई गेस 6 बजे से मैम आप ऑफिस में बच्चों की यस क्वेरीज मैम, यस मैम, डील कर रही हैं। तो उन्होंने पूरी एक शीट बना ली है, राइट मैम? यस मैम, तो उसी के हिसाब से आई गेस अब आप क्वेश्चंस बिल्कुल बिल्कुल पूछेंगे। मैम। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है मैम, ये मैम बताइए। बच्चों का पहली बात तो एडमिट कार्ड तो रिलीज हो चुका है, बच्चों क्वेरीज बहुत आ रही है कि मैम कौन सी वेबसाइट है जिस पे हम डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। बिल्कुल जरूर हम इसका जवाब देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है exams.nta.nic.in, आपके लिए हमने इसको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया है, तो इस पे क्लिक करिए। ये देखिए, आपके लिए हमने ऑलरेडी इसे ओपन करके रखा है। यहाँ पर जाकर मैम बहुत सिंपल सा स्टेप है, क्लिक हेयर फॉर एडमिट कार्ड पे क्लिक कर देना है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर इनका एप्लीकेशन नंबर इनपुट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, और फिर सबमिट पे क्लिक कर देंगे, जहां से इनकी डिटेल्स आ जाएंगी। अब उस डिटेल्स में मैम एक्चुअली क्या है ना कि कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। तो इस बार जो एडमिट कार्ड बच्चों को मिला है वो 3 पेजेस का है, और हर पेज में मैम आप जानती है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती ही रहती है। तो हम पेज बाय पेज बच्चों की सारी क्वेरीज और कंसर्न्स को यहाँ पर डील कर लेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले पेज 1 से शुरू करेंगे मैम। जी मैम। और ये हमने एक स्टूडेंट का डमी यूज किया है एडमिट कार्ड। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपका एडमिट कार्ड आपको दिखेगा। ये देखिए, सो ये आपका रोल नंबर यहाँ आएगा, कैंडिडेट नेम यहाँ आएगा, एप्लीकेशन नेम नंबर, यहाँ पे आपकी फोटो रहेगी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब यहाँ आ जाएगा। देन ये देखिए, जो आपने क्वेश्चन पेपर का मीडियम सिलेक्ट किया होगा वो वहां आ जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया होगा, गेट क्लोजिंग टाइम आपको दिया होगा, तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और गेट क्लोजिंग, देन टाइमिंग ऑफ द टेस्ट, टेस्ट सेंटर का नंबर, टेस्ट सेंटर नेम। अब इसके नीचे मैम एक सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है। यस मैम। तो अब आप पूछेंगे कि भाई इसका क्या करना है। जी मैम, बहुत बच्चे क्वेरीज आ रही है इसकी भी कि इसमें क्या फिल करना होगा बच्चों को। मैं बिल्कुल बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आई डैश एज इन अपना नाम लिखेंगे, रेसिडेंस ऑफ अपनी प्लेस लिखेंगे, डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है। अब ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ना, आई हैव रेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड आई अंडरटेक टू अबाइड बाय द सेम। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले आता है स्टूडेंट्स का। देखिए, यहाँ पर आपको कैंडिडेट फोटो सेम एज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए मैम, इसमें क्या आ रहा है ना, इस बार टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। जी मैम। ये देखिए, बिफोर रीचिंग द सेंटर, टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, To be signed on the day of examination in the presence of invigilator only. तो इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। ये जो कैंडिडेट फोटो है, ये बिल्कुल as it is जो इन्होंने application form में लगाई है, वही same यहाँ पे भी लगाएंगे और ये पहले से लगाकर लेके जाएंगे। अब अगर हम बात करें left hand thumb impression की, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये भी सेंटर पहुंचने से पहले ही लगा कर लेके जाना है, और सिर्फ लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन का। देन कैंडिडेट साइन मैम, तो अब ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो जब इन्विजिलेटर आएगा टेस्ट डे पे, एग्जामिनेशन हॉल में ये साइन होना, ये साइन बच्चे पहले से नहीं करके ले जाएंगे। जी, तो अब बच्चों को आई गेस मैम, जैसा कि मैम बच्चे और क्वेरीज कर रहे हैं कि मैम हम लोग को एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीजें कैरी करके लेकर जानी है। बिल्कुल बिल्कुल हम बताएंगे। तो आई गेस मैम ये क्वेरी तो क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स की, है ना? तो आप स्टूडेंट्स को कह दीजिए कि अगर अभी भी कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो वो कॉमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। बिल्कुल। तो अब अगर हम आगे बढ़े मैम, अब ये देखिए, ये सेकेंड पेज है, 3 पेजेस का इस बार आपको एडमिट कार्ड मिला है। ये हमारा सेकेंड पेज है मैम। सेकेंड पेज पे जिन बातों का स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर सेकेंड पेज पे स्टूडेंट्स को एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, मैम कलर्ड पोस्ट कार्ड साइज फोटो यहाँ पर इनको पेस्ट करनी है।
बिफोर रीचिंग द सेंटर, विच मींस पहले से लगा के जाननी है. जाननी है. और इसमें मैम एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसी के साथ है, द कैंडिडेट एंड द इन्विजिलेटर आर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ. अब एज इंडिकेटेड इन द इंस्ट्रक्शन, अब अगर फोटो लगी है और दोनों को उसी पे साइन करना है तो भाई कहाँ करना है, ऊपर करना है नीचे करना है? yes, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट परी है. तो ये भी हम अगली स्लाइड में सॉल्व कर देंगे. और मैं इनको बता दूं, ये हम कहीं और से डेटा नहीं लाए, ये आपके खुद के एडमिट कार्ड में दिया हुआ है. सारे इंस्ट्रक्शन पैनल आपके एडमिट कार्ड में दिए है, हम उसी को फॉलो करवा रहे हैं. तो मैम ये देखिए, यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी ऑन दैट डेट सेल्फ ही साइन होगा. कोई भी साइन उनको पहले से करके नहीं ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में. ठीक है, आई होप बच्चों की क्वेरी क्लियर हो गई होगी मैम. सो आई होप मैम ये डाउट भी अब क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स का. आई होप स्टूडेंट आपका ये जो डाउट था वो क्लियर कर चुकी है मैम. नेक्स्ट आगे आपके जो डाउट्स है उसके तरफ बढ़ते हुए इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अब हम बात करेंगे. ठीक है, तो अब हम बढ़े हैं थर्ड पेज, फाइनल पेज, जिसपे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसकी बात करते हैं हम. तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए हैं मैम, और जिसपे सभी बच्चों को बहुत ध्यान देना है. सबसे पहले तो उन्हें लेटेस्ट कलर्ड पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ लगानी है ऊपर डेजिग्नेटेड स्पेस में. इन्विजिलेटर ध्यान रखेंगे, और एज इन यू नो सिग्नेचर मैच होना चाहिए फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो एडमिट कार्ड पे है. तो इट मीन्स ये स्टूडेंट को भी ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ एडमिट कार्ड पे है वही सेम फोटोग्राफ आपके यहाँ पर भी पेस्ट होगी. yes. और सिग्नेचर भी मैम दोनों का इस मींस सेम होगा, मैच होना चाहिए. कैंडिडेट को फोटोग्राफ के अक्रॉस साइन करना है ऑन द लेफ्ट साइड. तो हमारा लेफ्ट साइड है ये, और यहाँ आपको अक्रॉस में साइन करना है. अक्रॉस मीन्स आधा बाहर आधा अंदर फोटो पे. जी, फिर मैम सेम इज रूल फॉर द इन्विजिलेटर, बट इन्विजिलेटर्स विल साइन ऑन द राइट साइड, वो उनकी ड्यूटी है. अब स्टूडेंट्स बहुत मैंडेटरी है आपके लिए एडमिट कार्ड लेकर जाए फोटोग्राफ ऑलरेडी पेस्ट करके, क्योंकि अगर आप ये नहीं लाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं एंट्री दी जाएगी. तो प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा. अब हम बात करते हैं कुछ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की. ये आप सबको अपने जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके थर्ड पेज में मिलेंगे. आप सबको इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, किसी को कोई पॉइंट समझने में प्रॉब्लम ना आए. yes, इसलिए आई गेस हम ये वीडियो पहले से बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि सुबह से इतने सारे स्टूडेंट्स मैम के पास आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेरीज भी आ रही. तो मैम ने एक बल्क ऑफ क्वेश्चंस रेडी कर रखा है आप लोगों का ऑलरेडी, और तभी हम इस वीडियो को बना रहे हैं. ठीक है, आप सबकी स्पेशल डिमांड पे. तो मैम जितना आपने मुझे बताया है, सबसे पहली क्वेरी थी बच्चों की इन रिगार्ड्स टू रिपोर्टिंग टाइम, आई गेस वो तो सॉल्व हो गई है. हो चुकी है बिल्कुल. 11 AM रिपोर्टिंग टाइम है, सेम यहाँ पर भी दिया है. जी. उसके बाद अब हम बात करते हैं पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ. yes, है ना. और कई ऐसे बच्चे होंगे मैम, उनको लगेगा कि हमें तो सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जाना है, तो ये तीसरी शीट क्यों लेकर जाए, सिर्फ दो पन्ने ले जाए. तो प्लीज उन्हें हम ये बताना चाहेंगे, क्लियरली पॉइंट 6 में लिखा है, पेज 3 हैज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड ऑल 3 पेजेस, और उन्हें कैरी भी तीनों पेजेस करने हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिट कार्ड वाला एक पेज लेके चले गए. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैम, हम लोग भी जैसे जब हम लोग बोर्ड एग्जाम देने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स पहले से एक आइडिया लगा लेते थे. yes, ma'am. कि सेंटर कहाँ पड़ रहा है, चलो एक दिन पहले होके आ जाते हैं, देख लेते हैं. बिल्कुल मैम. तो यही सेम आई गेस हम अभी भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करेंगे कि अब आपको अपना टेस्ट सेंटर एग्जैक्ट वेन्यू पता लग गया है, तो एक बार आप एक दिन पहले जरूर देखें, जाकर के एक बार जरूर चेक करिएगा कि कितनी दूर पे आपका एग्जाम सेंटर है, जिससे कि आपके रिपोर्टिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम ना है और आपको आइडिया लग जाए डिस्टेंस का, ट्रैवल का, सब कुछ. जी मैम. ठीक है स्टूडेंट्स नाउ, और हाँ एक चीज और है, अगर आपका कोई रिलीजियस कस्टम आउटफिट है, एज इन फॉर यू नो इस्लाम कल्चर और फॉर सिख ट्रेडिशन, अगर आपको कुछ कल्चरल आउटफिट्स कस्टम आउटफिट पहनने हैं तो प्लीज जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे थोड़ा सा पहले ही रिपोर्ट करिएगा. बिल्कुल मैम. ओके, अब देखिए क्या क्या आप लेके जा सकते हैं. सबसे पहले तो एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, एक वैलिड आईडी प्रूफ मैम इम्पोर्टेंट है, एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग. फ्रिस्किंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रॉपर चेकिंग होगी वहां पे आपकी. ठीक है,
तो अगर हम बात करें आइटम्स टू कैरी की, तो क्या आइटम्स कैरी होने मैम यहाँ पे क्लियर दिए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, कोई स्टील की वाटर बॉटल, कोई यू नो इंसुलेटेड वाटर बॉटल नहीं लेके जाएंगे, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाएंगे। एडिशनल फोटोग्राफ लेकर जाएंगे सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आप मैम पूछेंगे कि मैम इसकी क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एक्स्ट्रा फोटो ले जाने की क्या जरूरत होगी। बिल्कुल, तो मैम बता देती हूँ, ये उन्होंने यही बता दिया है कि वो फोटो पेस्ट होगी अटेंडेंस शीट पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हैविंग पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ, जो मैंने बता दिया पहला और दूसरा, एंड थर्ड पेज भी आपको साथ में ही लेकर जाना है, डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 पेपर साइज। ठीक है, और सेंटर पहुंचने से पहले कैंडिडेट को जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है अंडरटेकिंग में वो क्लीन लेजिबल हैंडराइटिंग में फिल करनी है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं या आपको स्क्राइब हेल्प चाहिए तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा इफ इट इज एप्लीकेबल। ठीक है, अब मैम यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन हमने स्टूडेंट्स के ऊपर बताया था स्लाइड नंबर 2 पे, प्लीज ध्यान रखिएगा कि वो थंब इम्प्रेशन बहुत ध्यान से लगाएंगे आप, वो स्मज ना हो, एज इन फैले नहीं। बिल्कुल ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपको बता दूं मोबाइल फोन्स बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे, प्लीज लेके मत जाइएगा, ना ही वहां पर कोई ऐसा होगा कि आपने उसके पास रखवा दिए, बिकॉज वहां पर आपकी कोई लॉकर फैसिलिटी नहीं होगी। ठीक है, एंड देन स्टूडेंट्स रफ वर्क जो करना होगा वो आपको जो पेपर मिलेगा उसी में एक कॉलम बना होगा, वहीं पर आप वो रफ वर्क कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से शीट ना मिलेगी ना आपको लेके जानी होगी। देन अब हम बात, अब मैम आप कुछ कह रहे थे कि कल हमने एक वीडियो शेयर करना सेट की थी जो गर्ल्स से रिलेटेड थी, गर्ल्स के आउटफिट से रिलेटेड। यस मैम, तो उसके कुछ क्वेरीज आज सुबह आपके पास आई थी, आप एक क्वेरी बताइए। यस मैम, कि जो गर्ल्स का क्वेरीज आ रहा था कि मैम जैसे वॉशरूम वगैरह जाना होगा तो बीच में बायो ब्रेक मिलेगा या फिर? बिल्कुल मैं बता दूं कि वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 1 आवर होगा, जैसे 2 PM से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो 2 to 3 PM के बीच में आप वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। और ये मैम उन्होंने क्लियरली पॉइंट नंबर 18 में भी मेंशन किया है कि नो बायो ब्रेक्स विल बी अलाउड ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 आवर एंड लास्ट हाफ एन आवर। ठीक है, तो जैसे 5:20 पे पेपर खत्म होना है तो आप ये समझ लीजिए 4:50 से 5:20 तक लास्ट के 30 मिनट्स में और स्टार्टिंग के 1 आवर में आपको वॉशरूम जाना बिल्कुल नहीं अलाउड होगा। तो प्लीज इसलिए आप बहुत ही केयरफुली हाइड्रेटेड रहिएगा, हाइजीनिक रहिएगा, प्लीज कुछ खा के जाइएगा, राइट मैम? तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका स्टूडेंट्स आप सबको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी मैम अगर स्टूडेंट्स की कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हो प्लीज आप उसे लेकर आइए हमारे पास, एड्रेस करिए और हम उसे सॉल्व करके बताएंगे। सो मैम अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, बहुत बड़ा दिन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, सबकी तैयारी जोर शोर से चल रही है बच्चों की। यस, और हम स्टूडेंट्स आपको बता दें अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है और अगर आप कानपुर सिटी से बिलोंग करते हैं आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं, यहाँ पर पूरी न्यू लाइट टीम आपके लिए अवेलेबल है टू हेल्प यू डाउनलोड एंड प्रोवाइड यू द प्रिंट आउट ऑफ योर एडमिट कार्ड। कोई भी क्वेरीज हो, कंसर्न्स हो स्टूडेंट्स, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच मैम, ऐसे ही आप स्टूडेंट्स की क्वेरीज हम तक लाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।